डबरा में गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन के साथ साथ कृषि विधायक के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस से उपवास पर जय स्तंभ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। इसमें महिला कांग्रेस के साथ जिला कांग्रेस ग्रामीण कमेटी, ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, सेवा दल के अध्यक्ष महेंद्र चौबे, नगर अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश रावत, मीडिया प्रभारी दिव्यांग दुबे, दीपक खरे, केदार रावत, बंटी राजपूत आदि सैकड़ों से अधिक कांग्रेसी धरना प्रदर्शन पर मौजूद रहे। प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्या कुछ रणनीति है और किस मुद्दों को लेकर? ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, धरना है। धरना भी उपवास के रूप में धरना है और हमारा 11 बजे से लगभग 2 बजे तक का धरना है, शांतिपूर्ण धरना है। और ये किसानों के समर्थन में मूल रूप से आज का जो कार्यक्रम है किसानों के समर्थन में है। और कुछ मुद्दे जो किसान से जुड़े हैं, जैसे अब किसान आंदोलन की आड़ में और कोरोना की आड़ में सरकार कुछ तो भी मनमानी कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई देश किस दिशा में जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी 67 रुपये लीटर डीजल था, आज 82 से 83 रुपये डीजल हो गया। किसान की लागत कहाँ जा रही है, डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम कहाँ जा रहे हैं? और कम से कम देश के इतिहास में जो पहले मर्तबा ऐसा, मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में पहला ऐसा मैं अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि किसान जिसे हम कहते हैं हमारा अन्नदाता है, और है भी, कहना नहीं वो अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता एक महीने से अपना घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर, सारी दुनियादारी को छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर डटा है। कोई भी सार्थक पहल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुई है और मोदी जी और उनकी सरकार पूरी हठ धर्मता पर है। और चूंकि वो हठ धर्मता के 2 कारण कर चुके हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है, तो उनको लग रहा है कि किसान आंदोलन को कुचल कर भी हम अपना एक स्वर्ण इतिहास लिखेंगे हठ धर्मी का। पहला हठ धर्मी देश को विश्वास में नहीं लिया, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया और नोटबंदी जैसा तुगलकी फरमान जारी किया, उससे देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्या हासिल हुआ नोटबंदी से? दूसरा, लॉकडाउन के रूप में एक ये भी तुगलकी फरमान था, लॉकडाउन किया, क्या हासिल हुआ देश को? और ये भी तुगलकी फरमान है, किसी किसान संगठन को विश्वास में नहीं लिया, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया और सीधा का सीधा ये किसान विरोधी बिल उन्होंने थोप दिया। अब इससे किसान आंदोलित है, दुखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस भरमा रही है, किसानों को कांग्रेस बरगला रही है। अरे भैया, एक जगह बताओ किसान आंदोलन में कहाँ कांग्रेस का नेता झंडा लेकर दिखा? अगर किसी चीज अच्छी चीज़ का समर्थन करना गुनाह है तो ये कांग्रेस गुनाह कर रही है और करेगी। हमारा ये पूरा का पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है, इसलिए आज हम उपवास पर बैठे। अभी प्रशासन आया था, उनके कहना है कि अनुमति बिना अनुमति के प्रशासन की देखिए। मेरा ये कहना है, अगर बापू के देश में शांतपूर्ण तरीके से उनके सामने उपवास करना, इसके लिए भी अगर अनुमति लेना पड़ेगी और शासन नहीं देगा तो भैया पर ये देश लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आप तो चौथा स्तंभ हो, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। फिर भी हमने तो, हमारे संगठन ने उनको अनुमति के लिए अपने आवेदन दिए, अब देना नहीं देना ये उनका काम है, लेकिन हमारा काम था सूचना देना कि हम बापू के सामने 2 घंटे का शांतिपूर्ण उपवास रखना चाहते हैं। अगर उसमें हम कहते कि हम वहाँ उग्र आंदोलन करना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको रोकने का कोई राइट बनता? समझ में आता भाई, बापू के सामने 2 घंटे का उपवास करना ये भी नियम विरुद्ध हो गया इस देश में, अब ये तो साहब हद हो गई है। प्रशासन के अधिकारी क्या आए थे क्या धरना? अभी आपसे भी बात हुई थी। नहीं, रोकने की किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमसे कहा कि कुछ लोगों के जितने लोग यहाँ धरने पर हैं इनके नाम दे दो। हमने उनको उसी प्यार की भाषा में कहा, आप जिनके नाम लेना चाहते हो धरने पर बैठे हैं उनके नाम लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हो तो वो भी हमें बता दो, हम सहज भाव से उस कार्रवाई को सहन करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चूंकि ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है, लेकिन डबरा में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपने कोई सूचना नहीं दी है प्रशासन को और सीधे धरने पर बैठ गए। मैंने सामने माननीय SDM महोदय एवं नगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं थाना निरीक्षक को भी मैंने सामने अपने लेटर पैड पर इनको सूचना दी थी। जैसा कि इनका कहना है कि ये अब मैं इसकी कोई परमिशन नहीं ली, यदि देश के जो भी व्यक्ति है, यदि राष्ट्रपिता के सामने बैठकर शांतिपूर्वक हम लोग उपवास एवं धरने का आयोजन कर रहे हैं, क्या ये अंग्रेजों की हिटलर शाही है?
क्या ये शासन ये चाहता है कि कांग्रेसी कोई भी कार्य ना करें? ये इससे ये दर्शाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही चला रही है। अभी प्रशासन मौके पर पहुंचा है, क्या कहना है उनका? करीब प्रशासन के लोग आए थे अभी, हमने उनसे यही निवेदन किया कि साहब हमारा जो शांतिपूर्ण उपवास है सारे देश में मनाया जा रहा है और गांधी जी की विचारधारा के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने शांतिपूर्वक गांधी जी का पूजन कर माल्यार्पण कर हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, जिसके लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है SDM महोदय के ऊपर, जिससे उनके प्रतिनिधि बार बार हमारे पास आ रहे हैं कि आप यहाँ से उठिए, इस धरने को आप कैंसिल करिए, आप और किसी स्थान पर जाइए। लेकिन इनकी ये विचारधारा है कि आप गांधी विचारधारा के साथ कोई काम न करें, जो हम कहें वो आप करिए। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज़। नमस्कार।